नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे बाबू को पैदा हुए 1 साल हो गया और आज है बाबू का बर्थडे। बाबू के बर्थडे के सजावट के लिए सामान आया है, आप सभी लोग देख लीजिए। हैप्पी बर्थडे का बैनर आया है और गुब्बारे आए हैं, छोटे वाले बड़े वाले, और टोपी है, और ये सजावट के लिए, और ये है एनिमल बैलून, पार्टी बम है, और स्नोस स्क्रे है। ये सारी चीजें आई हैं। अब हम सजावट कर रहे हैं बाबू के बर्थडे का। वैसे केक तो नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी केक मंगाया जाएगा और सजावट भी की जा रही है। तो ये देखिए, ये सारी चीजें फुलाया जा रहा है, यानी कि इसमें हवा भरा जा रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि इसमें हवा कैसे भरा जाता है। जो कि पहली बार अगर बर्थडे के लिए सजाते हैं या एनिवर्सरी के लिए सजाते हैं, तो उनको तो शायद नहीं ही पता होगा। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि इसमें हवा कैसे भरा जाता है। अगर आप हवा भरना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपको भरना आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ये देखिए, बाबू के लिए टोपी आई हुई है हैप्पी बर्थडे की। और अभी इसमें हवा कैसे भरा जाता है, जैसे ये हैप्पी बनाना है तो ये अच्छा है, तो इसमें हवा कैसे भरा जाता है। इसके साथ में एक इस टाइप की पाइप आती है, इसमें पाइप आती है, तो इसी से हवा भरा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे हवा भरना होता है। तो ये देखिए, सारे वर्ल्ड में कुछ इस तरीके से होल बने होते हैं। ये देखिए, अब इसी होल में इस पाइप को धीरे से घुसाना है, बहुत तेज से नहीं घुसाना है, बस हल्का सा। ये देखिए, ओपन का सिंबल बना हुआ है, इसी में आपको ये इस पाइप को घुसा करके उसके बाद फूंकना है, तो ये पूरा अक्षर बन करके फूल जाएगा। ये देखिए, अंदर चला गया पाइप, अब मुंह से फूंक करके फुलाएंगे। तो अभी हम फुला लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कुछ इस टाइप के फूल करके तैयार होते हैं। इसी तरीके के सारे वर्ड और एनिमल्स बैलून्स को। तो ये देखिए दोस्तों, जब फुला लें तो उसके बाद पाइप को धीरे से खींच लें इस तरीके से, और ये जो पाइप वाला होल बना है इसे हल्का सा हाथों की मदद से दबा दें, तो ये पैक हो जाएगा। अब ये जल्दी खुलेगा नहीं, आप चाहे महीने, दो महीने, सालों साल इसे ऐसे टांगे रख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे वर्ड्स को पहले जो है फुला लेंगे, उसके बाद हम सजावट करेंगे। तो सजावट के लिए ये जो झालर टाइप का आता है, ये जो आता है फ्रेंच कटिंग, इसे पहले लगाया जाएगा, और वो हैप्पी बर्थडे वाला बैनर लगाया जाएगा, और जो एनिमल्स बैलून्स है उसे लगाया जाएगा, और उसके बाद तो हम सजावट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए, हमने सारे वर्ड्स को फुला लिए हैं। अब हमें कुछ इस टाइप का धागा चाहिए होगा, ये हमने ऊन ले लिया है, और इसमें टांगने के लिए ये इस टाइप का बना है। इसी तरीके से सारे वर्ड को हम बांध लेंगे, उसके बाद टांगेंगे दीवार पर। तो बांध लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे हमें लगाना होगा। देखिए दोस्तों, पूरी सजावट हो गई है, केक वगैरह भी आ गया है, और अभी इधर का भी देख लीजिए। और ऐसे ही बाहर दरवाजे पर भी बैलून लगाया गया है, और नीचे अभी देखिए पूरा कूड़ा हुआ है। अब पूरा सजावट है, तब उसके बाद हम झाड़ू लगाएं, फिर शाम तक केक कटेगा। ये देखिए दोस्तों, सारी सजावट हो चुकी है और अब तैयारी हो रही है केक कटने की। ये हम भी तैयार हो गए हैं, मिठाई लड्डू वगैरह लेकर जा रहे हैं, और केक भी आ रहा है। ये दरवाजे पर लगा हुआ है बहुत ही अच्छा सा गुब्बारा है, और उसके बाद अंदर हम आ गए हैं, बाबू भी तैयार हो गया है, अब कटेगा केक। ये हमारे बाबू हैं, यानी कि ससुर जी के पिताजी, बड़े ससुर जी, और यही केक कटाएंगे। और उसके बाद सारी चीज़ें हो गई हैं, अब हम कैंडल वगैरह जला दें और केक को देखो निकाल रहे हैं, उसके बाद फिर केक कटेगा।
तो खुशी बोल रही थी कि मतलब ये फूल से रंगोली बनाने को और कलर जैसे पहले घर में प्रवेश करते समय किया नहीं जाता, पैर की छाप इस तरीके से करना था, लेकिन वो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। अब ये सब कुछ सजा उठा है और चाकू वगैरह रखा गया है, और अब मैं थोड़ी ही देर में कटेगा केक, हुआ इंतज़ार ख़त्म। और अभी ये सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएं तब केक कटें, तब उसके बाद सारे लोग केक वगैरह सब खाएंगे, अपना नाश्ता करेंगे। दोस्तों आज बाबू का पहला बर्थडे मनाया जा रहा है, यानी कि बाबू 1 साल का हो गया। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो गई हैं, डेकोरेशन भी हो गया है, और उसके बाद ये हमने कैंडल वगैरह भी सब कुछ लगा लिया। अब कैंडल को जला दे रहे हैं, उसके बाद केक कटेगा, बाबू केक काटेगा, और बाबू के परपाजा यानी कि उनके बाबा के पिताजी वही केक कटवाएंगे बाबूजी। अभी ये देखो बाबू भी तैयार हो गया है, अभी बाबू रो रहा है। अभी तो खुश है, जब पार्टी बम फोड़ती हैं दीदी इनकी तब ये बहुत रोता है, ये अचक जाता है कि ये क्या है। तो अभी ये वही लड्डू वगैरह लेने के लिए रो रहा है। अभी सब लोग सोच रहे हैं केक कट जाए तब इसको खिलाया जाए, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं इंतज़ार में कि जल्दी से केक कटे, तो हम यहाँ पर कैंडल सारी जला लें, तब उसके बाद केक काटने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसा मनाना तो हमने सोचा नहीं था कि इस तरीके से बाबू का बर्थडे मनाया जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया और डेकोरेशन भी किया गया। ये देखिए बाबू केक काटने चल रहा है, ये देखिए बाबू केक कट कर दिया और सारी कैंडल बंद हो गई। और अब ये देखिए कुछ पैसा वगैरह सभी लोग दे रहे हैं, गिफ्ट तो कोई नहीं दिया क्योंकि पहले से पता नहीं था कि बर्थडे मनाना है, एक लोग का डेथ हो गया था तो इसलिए नहीं पता था, ये तो अचानक से प्लान हुआ। अभी ये देखो अब केक कट गया, सभी लोग बैलून फोड़ रहे हैं, और उसके बाद वो क्या बोलते हैं पार्टी बम फोड़ा गया, और जो स्प्रे था उसे भी दीदी ने मारा। लेकिन अभी केक बाबू खा रहा है, देखिए ये पैसा नहीं लेना चाहता, पैसे से प्रेम नहीं है इसको इतना। ये देखिए केक खिला रहे हैं, ये बाबू खा रहा है। अब केक काटने के बाद हम लोग सब लोगों ने बाबूजी के पैर छू के आशीर्वाद लिया, और उसके बाद सबको केक वगैरह दिया गया, सब लोगों ने खाया। अभी पार्टी बम फोड़ेंगी और उसके बाद स्प्रे डालेंगी। सारा वीडियो आप लास्ट तक देखिए तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये देखिए बाबू खा रहा है और उसके बाद बाबू को भी खिला रहा है, और बाबू का व्रत था एकादशी व्रत। आप सभी लोग खड़े हो गए हैं फोटो खिंचवाने के लिए, और बाबू रो रहा है, ये देखिए अब सभी लोग खड़े हो रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए। ये देखिए पार्टी बम फोड़ने का वीडियो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये देखिए स्प्रे वाला है। ये स्प्रे वगैरह देख करके बाबू बहुत ही वो हो गया, रोने लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों बाबू का बर्थडे सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।